एक्स्यू वी सेवन की लेंथ 4695 सिक्स mm हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव है जहाँ पे न्यू सफारी की लेंथ 4668 सिक्स mm हंड्रेड एंड सिक्सटी एट है एक्स वी सेवन की विथ एटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन है जहाँ पे न्यू सफारी की विथ नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू है एक्स वी सेवन की हाइट सेवनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव है जहाँ पे न्यू सफारी की हाइट 1795 हंड्रेड एंड फाइव है एक्स्यूवी सेवन डबलो में आपको ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलीमीटर का वील बेस मिलता है जहाँ पे न्यू सफारी में आपको ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी वन मिलीमीटर का वील बेस मिलता है एक्सवी सेवन डबलो में आपको टू हंड्रेड मिलीमीटर का ग्राउंड क्रीवल्स मिलता है जहाँ पे न्यू सफारी में आपको टू हंड्रेड एंड फाइव मिलीमीटर का ग्राउंड क्रिवल्स मिलता है सो ओवरऑल लेंथ एंड व्हीलबेस में दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो रियल लाइफ में उतना नोटिस तक नहीं होगा एंड ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल व्हीलबेस के कारण दोनों में रियर सीट एंड थर्ड रो में भी सिमिलर स्पेस ही मिलेगा बट विथ में सफारी थोड़ी बड़ी है जो रोड प्रेजेंस में नोटिस होगा अब बात करते हैं एक्सटीरियर की तो एक्सटीरियर वाइज दोनों कार्ड की डिजाइन टोटली डिफरेंट है एंड डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज है तो दोनों में से किस कार की डिजाइन आपको पसंद आती है वो आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है बट पर्सनली मुझे दोनों में से सफारी की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है बट आपको इन दोनों कार्स में से किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की तो दोनों में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं जैसे कि दोनों में आपको एल हेडलाइट्स एल ई डी टेल लाइट पैनानोमिक सन रूफ सार्क फिनटीना रूफ रेल्स रियर वाइपर रियर डिफोगर सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओवर एंड रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं बट न्यू सफारी में आपको फॉर्ग लेस भी एल मिलते हैं जहाँ पे एक्स वी सेवन डब्लू फॉक लेंस हेलोजिन मिलते हैं एंड न्यू सफारी में एल ई एंड एल ई टेल लाइट दोनों फुल विथ में मिलती है जहाँ पे एक्स वी सेवन डब्लो सिंपल एल ई डी एंड एल ई टेल लाइट मिलती है एन न्यू सफारी में आपको 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं जहाँ पे एक सेवन डब्लो में आपको 18 इंच के एलो व्हील्स मिलते हैं एंड न्यू सफारी में आपको पावर जेस्टर कंट्रोल टेलगेट भी मिलता है जहाँ पे एक्स सेवन डब्लो में मेन टेलगेट मिलता है सो ओवरऑल एक्सटीरियर डिजाइन वाइज आपको दोनों में से कोई भी कार पसंद आए बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज न्यू सफारी में ज्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे अब बात करते हैं इंटीरियर की तो इंटीरियर वाइज पे पहले दोनों कार्स में मिलने वाले चलिए कॉमन फीचर्स देख लेते हैं दोनों में आपको डिबल जोन क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल इंस्ट्रोमेंटिक क्लस्टर वायरलेस चार्जर स्टेयरिंग मोटर कंट्रोल्स लिदरेट सीट्स इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट विथ मेमोरी फंक्शन कनेक्टेड कार फीचर्स 360 कैमरा थर्ड रो एसी सी वेंट्स एंड एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं बट न्यू सफारी में अब आपको 12 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है जहाँ पे एक्सवी से आपको में आपको 10.2 इंच की स्क्रीन मिलती है एंड न्यू सफारी में स्टीयरिंग व्हीन भी न्यू स्टैंड का मिलता है जिसमें टाटा का लो इल्यूमिनेटेड होता है जहाँ पर ट्रेडिशनल स्टाइप का स्टेयरिंग वील मिलता है एंड सफारी में आपको फ्रंट एंड सेकेंड रो दोनों सीट पे वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे एक्सन डब्लो में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन ही नहीं मिलता एंड सफारी में आपको सिक्स एंड सेवन सीट्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें सिक्स सीट्स में आपको सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलती है जहाँ पे एक्सीबी सेवन डब्लो में फाइव एंड सेवन सीट का ऑप्शन मिलता है जिससे सेकेंड रो में आपको नॉर्मल बेंच स्टाइल की सीट मिलती है एंड सफारी में को ड्राइवर की सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है जहाँ पर एक्स यू वी में को ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्ट होती है एंड सफारी में ऑटोमेटिक वेरियंट्स में आपको पेडल सीफ्टर्स भी मिलते हैं जो एक्स यू वी में आपको नहीं मिलते हैं एंड सफारी में आपको जे के दस स्पीकर वाली म्यूजिक सिस्टम मिलती है जहाँ पर एक्स यू वी में सोने के बारह स्पीकर वाली म्यूजिक सिस्टम आपको मिलती है एंड एक्स यू वी में आपको इतनी महंगी कार होने के बाद भी ऑटो डिमिंग आई नहीं मिलता जो कि एक मस्ट फीचर है इस प्राइस पॉइंट पर जो आपको टाटा सफारी में मिलता है सो ओवरऑल फीचर्स वाइज भी यहाँ पे क्लियरली न्यू टाटा सफारी बेटर है अब बात करते हैं इंजिन की तो एक्स डबल दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर डीजल इंजन जिसमें पेट्रोल इंजन से 197 नाइनटी का पावर एंड 380 हंड्रेड का एट्टी प्रोड्यूस होता है एंड डीजल इंजन से 182 हंड्रेड का पावर एंड 420 हंड्रेड एंड ट्वेंटी प्रोड्यूस होता है जहां पे टाटा सफारी में अभी आपको ओनली एक डीजल इंजन का ही ऑप्शन मिलता मिलता है है सफारी में आपको टू लीटर डीजल इंजन जो पावर एंड थ्री हंड्रेड एंड एम प्रोड्यूस करता है सो इंजन पावर वाइज क्लियरली दोनों में से सेवनो के दोनों इंजन बेटर है एंड ऑल्सो एक्सुवी में आपको हायर वेरियंट में ऑप्शनल ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है जो आपको सफारी में नहीं मिलता जिसकी कारण ओन व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट्स में एक्सुअवी सेवन डबल ऑफ रोडिंग कर पाएगी जो सफारी में पॉसिबल नहीं है अब माइलेज की तो रिवील नहीं की बट एक्सुवी सेवन डबल लॉन्च हुए बहुत टाइम हो गया है सो यूजर्स की रिपोर्ट किए हुए माइलेज को हम यहाँ पे ध्यान में लेंगे में में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में जहाँ पे पेट्रोल ऑटोमेटिक में इलेवन टू ट्व किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी जहाँ पे डीजल में आपको मैनुअल में फिफ्टी टू सिक्सटीन किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी एंड ऑटोमेटिक डीजल में फोर्टीन टू फिफ्टीन किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी जहाँ पे सफारी में डीजल मैनुअल में अप्रोक्स 16.1 किलोमीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में 14 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी सो रियल लाइफ में ओवरऑल माइलेज वाइज सफारी में थोड़ी ज्यादा माइलेज मिलेगी बिकॉज सफारी का इंजन थोड़ा कम पावरफुल है एक्सुवी सेवन डब्लो के कंपेयर में अब बात करते हैं की। तो एक्सुवी सेवन डब्लो को ग्लोबल एंकेट में आउट ऑफ एंड स्टार्स मिले हुए हैं जहां पे टाटा सफारी का अब तक क्रेजे नहीं हुआ बट सफारी लैंड रोवर वाले प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है जो कि एक सेफ प्लेटफॉर्म है एंड रही बात सेफ्टी फीचर्स की तो दोनों में आपको एडवांस फीचर्स मिलते हैं न्यू फेसलिफ्ट सफारी में अब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एन लेन की प्रोसिस्ट जैसे फीचर्स भी एड कर दिए गए हैं जो पुराने सफारी में आपको नहीं मिलते थे जहां पर में सेम लेवल टू एडास फीचर्स मिलते हैं एंड दोनों कार्स में आपको सेवन एयरबैग्स ई एस पी टी पी एम एस हेल होल्ड ए बी एस एंड ईवीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं सो ओवरऑल सेफ्टी में तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों इक्वली सेफ कार हैं सो so, चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको एक्स वी सेवन डबल लेनी चाहिए या फिर न्यू टाटा सफारी सो so, न्यू सफारी में एक्स यू सेवन डबल के कंपेयर में अब बहुत सारे ज्यादा फीचर्स एंड मॉडर्न लुक दिए गए हैं जहाँ पे अब भी इंजन पावर वाइज एक्स वी सेवन डबल बेटर है सो so, अगर आपके लिए परफॉर्मेंस ही सब चीज है या फिर आपको पेट्रोल एस चाहिए तो दोनों कार्स में से आपके लिए महिंद्रा एक्स वी सेवन डबल बेटर चॉइस रहेगी बट अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए एंड आपको ओवरऑल ज्यादा मॉडर्न कार ज्यादा फीचर्स एंड ज्यादा माइलेज चाहिए तो दोनों में से आपके लिए न्यू टाटा सफारी बेस्ट रहेगी तो ये था हमारा कंपेरिजन न्यू टाटा सफारी फेस्ट लिफ्ट एंड महिंद्रा एक्चीस सेवन के बीच अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी तो आप कौन सी कार पसंद करोगे टाटा सफारी या फिर महिंद्रा एक्चीस सेवन आपकी चॉइस से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेलाइकन बटन को दबा दीजिएगा थैंक यू